In our previous video, we'll discuss about solar radiation measurement, and in this lecture, we will discuss about solar thermal collector. So, आज हम discuss करेंगे solar thermal collector के ऊपर. Okay, so solar thermal collector क्या है? A solar thermal collector is a device used for collecting the solar radiation and it transfer the energy to fluid passing in contact with it. The collector receives the heat from the solar rays and give it to the heat transport fluid. Solar collector surface is designed for high absorption and low emission. So, the utilization of solar energy requires solar collectors. Okay, मतलब क्या हुआ कि एक सोलर थर्मल कलेक्टर क्या होता है कि इससे जो सोलर रेडिएशन आता है उसको कलेक्ट करता है और उस कलेक्ट हीट से क्या करता है दूसरा फ्लूइड को हीट किया जाता है. फर्स्ट हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ सोलर थर्मल कलेक्टर. सो दो टाइप का सोलर थर्मल कलेक्टर होता है. नंबर वन है नॉन कंसेंट्रेटिंग कलेक्टर एंड नंबर टू है कंसेंट्रेटिंग कलेक्टर. ओके, सो नॉन कंसेंट्रेटिंग कलेक्टर के अंदर आता है फ्लैट प्लेट कलेक्टर एंड इवैक्यूएटेड ट्यूब कलेक्टर. ओके, एंड कंसेंट्रेटिंग कलेक्टर के अंदर आता है लाइन फोकस्ड एंड पॉइंट फोकस. अब लाइन फोकस के अंदर भी और टाइप्स आता है जैसे कि लीनियर फर्नेल रिफ्लेक्टर, लीनियर फर्नेल रिफ्लेक्टर एंड पैराबोलिक थ्रू कलेक्टर. एंड पॉइंट फोकस के अंदर आता है पैराबोलिक डिस्क रिफ्लेक्टर एंड पावर टावर. ओके, सो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे फ्लैट प्लेट कलेक्टर के बारे में एंड कंसेंट्रेटिंग कलेक्टर के बारे में, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ कलेक्टर होता है. So, thank you.